नंबर चार है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर पांच है। बस उसमें हमें ए बी का स्क्वायर बराबर टू ए सी का स्क्वायर सिद्ध करना था, लेकिन हमें इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं, हम क्वेश्चन है हमारा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी जिसका कोण सी जो है वो समकोण होगा। ठीक है, चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ए सी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, और ए सी बी सी के बराबर है। ठीक है, यदि दिया है बच्चों इन्होंने कि ए बी का स्क्वायर बराबर है टू ए सी का स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों उपपत्ति देखते हैं। देखो, चूंकि दिया गया है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो बराबर है टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम इस ए बी के स्क्वायर को लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ये जो ए सी है वो हम किसके बराबर में लिख देंगे, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों ये कंडीशन पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, जब ये पाइथागोरस प्रमेय है तो ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चूँकि यह पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब ये पाइथागोरस प्रमेय है तो जो हमारा त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर छः की ओर।